ही करवा चौथ, आज करवा चौथ है और सब क्या तैयारी चालू हो गई होगी, वैसे मेरे यहाँ हो रही है। सो सुबह हो चुकी है, हम लोग उठ चुके हैं और अब मैं बना रही हूँ कुछ खाने के लिए। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है क्योंकि उन्होंने फ्रूट्स खा लिए हैं, केक खा लिया है। अब मैं बना रही हूँ डायरेक्ट खाना, मैं अभी नहा ही नहीं हूँ, इसके बाद मैं नहा जाऊँगी। तो मेरे को बहुत ज़ोर की भूख लग रही, तो मैंने सबसे पहले दाल चावल रख दिए बनने के लिए। तो यहाँ मेरे दाल चावल रेडी हो रहे हैं, चावल बन जाए तो फिर इसके बाद ये आके फ्राई कर देंगे और मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और पहले मैं कुछ फेस पैक पे लगाऊंगी, अभी तो मैं लगा के आ चुकी हूँ। लेट मी शो यू, इस तरीके से कोकोनट क्यूब्स बनाई हैं तो मैं इनको अप्लाई कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं इसके ऊपर सोच रही हूँ कि यहाँ पर मैंने दो गार्नियर की सीरम मास्क शीट खरीदी, एक तो है हाइड्राबम और एक है चारकोल। तो देखती हूँ इनमें से मैं शाम को क्या अप्लाई करूँगी, इनमें से कोई एक अप्लाई करूँगी। तो अभी मैं तैयार करती हूँ अपना लंच और फिर मैं आपको जल्दी ही मिलूँगी रेडी होकर। यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है, सुबह की मेरी पूजा हो चुकी है। मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, 11:30 हो चुका है और यहाँ पर मैंने अपनी शाम की पूजा की तैयारी कर ली। हमारे यहाँ एक बार दोपहर को भी पूजा की जाती है, तो सूर्य देव की मैं पूजा कर चुकी हूँ। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है और ये देखेंगे आप, मैंने यहाँ पर की है तुलसी जी की पूजा। जैसा कि कार्तिक का महीना चल रहा है तो कार्तिक में पूजा की जाती है तुलसी जी की, सालग्राम की। तो यहाँ पर मैंने पूजा की है तुलसी जी की। यहाँ है मेरे लक्ष्मी जी के चरण, यहाँ से लक्ष्मी जी हमारे घर में पधारेंगी। सो यहाँ पर रिबू टीवी देख रहे हैं, कल इनका एग्ज़ाम है और इनकी अभी टीवी चल रही है, देखते हैं क्या देख रहा है रिबू। तो यहाँ पर चल रही है कार्टून मूवी। अब है हमारा पढ़ाई का टाइम, मेरी वो करा रही हूँ पढ़ाई क्योंकि कल है इसका एग्जाम, इसके हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, कल इंग्लिश का है तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी रिबू को। तो रिबू कौन सा चैप्टर निकालना है अपन को, निकालना है चैप्टर फाइव। आई कैन बी अ पैर, शेयरिंग इज केयरिंग, विच चैप्टर। सो गाइस हम करते हैं पढ़ाई, देन हम आपसे मिलते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट स्टडी। सो बस अभी मैंने रिबू की पढ़ाई फिनिश कराई है, उसका उसका इंग्लिश का हो गया है कंप्लीट। और जैसे कंप्लीट हुआ देखो वो कहाँ भाग के बैठा हुआ है, ये यहाँ उनकी अब चल रही है टीवी और अब वो चला रहे हैं अपने कार्टून शो, उनका हो चुका है स्टार्ट। बस कुछ काम नहीं है, पढ़ना है थोड़ा बहुत बड़ी मुश्किल से, उसके बाद टीवी। अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ चल रही है खाने की तैयारी, अभी से डिनर बनना स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, ये बन रही है चटनी क्योंकि दही बड़े हो चुके हैं आई थिंक तैयार, कहाँ रखे हैं दही बड़े। सो ये हमारे दही बड़े भी हो चुके हैं रेडी। तो यहाँ बन रही है अब चटनी, इसके बाद और क्या क्या बन रहा है जाना? इसके बाद बनेगी हरी चटनी, थोड़ी सी क्योंकि मीठी चटनी काफ़ी बन चुकी है। आपको आज सरप्राइज के रूप में बताएं, आज हमने मसाला भी बनाया है जो दही बड़े के ऊपर डलता है, देखिए आप हमारा मसाला। वाओ, स्पेशल टेक्निक से बनाया है तो ये आपको कभी खाली समय बताऊंगा, अभी बांग्लादेश और श्रीलंका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ मैच भी चल रहा है, आप देख रहे हो कंटिन्यू यहाँ मैच चल रहा है और साथ में खाना बन रहा है। वेज तो नहीं छोड़ा जा सकता, सब कुछ चीज़ छूट जाएगी। मैं तो ये सोच रही हूँ पता नहीं शाम की पूजा भी करेंगे कि नहीं करेंगे मैच के चक्कर में। सो इसके बाद क्या बना रहे हो आप, तो ये बताओ। इसके बाद हमारे आज स्पेशल पनीर की सब्जी। ओ नो, मुझे पनीर नहीं खाना क्योंकि दम आलू हमने देखे थोड़े खट्टे हो जाएंगे, मेरी को खट्टा पसंद नहीं है इसीलिए दम आलू अभी कैंसिल किया। छोले सुबह मिले नहीं तो छोले नहीं बन पाएंगे, तो अब बनेगा इसके बाद होगी पनीर की तैयारी। मुझे जाना पड़ेगा पनीर लेने, मटर भी लाना, मटर पनीर पनीर का। तो यहाँ बन रहा है अब खाना, अब इसके बाद बनाएंगे पनीर और जैसी बनेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा बना हुआ है। मैं टेस्ट भी नहीं कर सकती, मुझसे कोई पूछ भी नहीं सकता कि टेस्ट करके देखो कैसा बना है।
पहले मुझे हर चीज टेस्ट कराई जाती थी कि टेस्ट करके देखा, मैं सुबह से पानी नहीं पिया, कुछ नहीं खाया, तो बहुत अजीब लग रहा है। हमें वीडियो कैसे शूट कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। अभी मुझे करना है अपना सूट टाइट जो मैं शाम को पहनने वाली हूँ, अभी तक वो भी टाइट नहीं हुआ है, तो अब मैं जा रही हूँ अपना सूट टाइट करने। सो आज मैं पहन रही हूँ रेड कलर का सूट, और ज्वेलरी मैं खरीद के लेकर आ चुकी हूँ। उसके लिए मैं परसों मार्केट गई थी, यहाँ का जो मार्केट है फेमस राजवाड़ा, वहाँ गई थी, वहाँ से मैं ज्वेलरी लेकर आई हूँ, और कुछ मैंने ऑनलाइन ही मंगाई है। तो अब देखते हैं शाम को मैं कौन सी पहनती हूँ। अभी तो ये मेहंदी मैंने सिंपल से लगाई है, जो मैंने रात को लगाई थी, और इन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। देखो जो पॉइंट्स लगाए ना, बिंदु बिंदु और बीच का जो सर्कल बनाया, ये इन्होंने बनाया, तो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा। तो बस ऐसी मेहंदी लगा ली यार, इतना टाइम नहीं था मुझे, वीडियो भी एडिट करनी थी क्योंकि मैंने वीडियो पोस्ट की है, उसकी भी एडिटिंग में एडिटिंग करनी थी, और रिव्यू का एग्जाम चल रहा है, उसे भी पढ़ाना है, बहुत सारा काम रहता है, सफाई भी चल रही है जैसे कि दिवाली है। तो सिंपल सी मेहंदी लगा पाई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ जल्दी से, मैं करती हूँ अपना सूट रेडी शाम को पहनने के लिए, और फिर बाकी देखते हैं और क्या करना है। पूजा की तैयारी और थोड़ा बहुत खाने में हेल्प, क्योंकि मुझे खीर बनानी, मैंने भगवान के लिए तो मैं ही खीर बनाऊंगी, तो मुझे अभी खीर बनाना रह गई है, मैं खीर बनाने भी जा रही हूँ उसके बाद। थोड़ा सा पहले सूट कर लूँ अपना, देन खीर बनाऊंगी। सो गाइस, यहाँ पर मैंने खीर बना ली है, और ये है खीर का लुक, बहुत बनी है। और यहाँ पर बनी है हमारी पनीर की सब्जी, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई, और बहुत यम्मी दिख रही है। पता चलेगा खाने में कैसी है, बट आई एम श्योर कि वो खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी। और ये बड़े तो रेडी हो चुके हैं, चटनी इसकी बन चुकी है। सो अब हम आते हैं डो पे। तो यहाँ पर दो तरीके का डो लगा है, एक नमकीन वाला, एक नॉर्मल वाला। तो हो गया है रेडी, अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तैयार होने के बाद फिर पूजा वगैरह चालू हो जाएगी, थोड़ी बहुत मैं रील्स बना लूँगी अपनी, विभू को भी रेडी करना है तो टाइम लगेगा। सो अब यहाँ सब कुछ कंप्लीट है, अब मैं मैं यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी। सो ये पूरी तरीके से मैं तैयार हो गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। अभी तक मैंने पूजा नहीं करी, अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, फिर हम छत पर जाएंगे। अभी बज गया है 8, तो आधे घंटे मेरी पूजा, जब तक तो चांद भी आ जाएगा। सो चलते हैं पूजा के लिए। डिनर सब कुछ हो गया है, अब मैं कपड़े चेंज करके सोने जा रही हूँ। सो ये था कि हमने कैसे बनाया करवा चौथ, कैसे तैयारी की, कैसे पूजा की, और सब कुछ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो मैं कुछ ऐसे व्लॉग्स और लेकर आऊँगी। सो अभी चलते हैं, बाय, गुड नाइट।